हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमार और आज के वीडियो में पढ़ेंगे अपन रोल ऑफ ट्राइबल इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो दोस्तों, वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कंप्लीट इकोलॉजी बाय लैंग्वेज के साथ करवा रहा हूँ, तो आप मेरे कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पे जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो रोल ऑफ ट्राइबल इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, भाई जो बायोडायवर्सिटी है, इन्वायरमेंट है, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए, कंजर्व कर रखने के लिए जो ट्राइबल है, आदिवासी है, इनका क्या योगदान है, इन सब के बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। इंडिया में कितनी है, 68 मिलियन पीपुल बायोडायवर्सिटी, 227 एथिक ग्रुप एंड कंपेयरिंग ऑफ 53 ट्राइबल कम्युनिटीज है। कितनी है, 53 ट्राइबल कम्युनिटीज है, उसमें से 6 रेसिकल है, कौन कौन सी, नेक्रोइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मैंगलोइड और मेडिटेरियन, वेस्ट ब्रांची एंड नॉर्डिक। ये तो क्या है आपकी, 6 रेसिकल स्टॉक्स है। यह जाति लोग ज्यादातर स्वदेशी ट्राइबल फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं और लॉन्ग टाइम से अपने एरिया की बायोडायवर्सिटी को कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्रोटेक्शन करते हैं। क्या है, जैसे कि कोई बायोडायवर्सिटी है या कोई इन्वायरमेंट है, उसके आसपास रहते हैं, है ना, इन्वायरमेंट में रहते हैं और वहां के एरिया को प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। यह ट्राइबल पीपुल फॉरेस्ट में आश्रय लेते हैं और रॉ एंड कुक्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूटिलाइज करते हैं। फ्लावर एंड फ्रूट को तो मेनली ये रॉ फॉर्म में ही खाते हैं, यानी कि कच्चे फॉर्म में, और ट्यूबर्स, लीव्स एंड सीड्स को कुक्ड पकाकर खाते हैं। ट्राइबल पीपुल फॉरेस्ट टिम्बर एंड वुड का यूज करते हैं और फॉरेस्ट के साथ एक तरह से आत्मीयता विकसित कर चुके हैं। 400 स्पीसीज के फोर्डर के रूप में यूज किया जा चुका है और केमिकल विच आर यूज एज नेचुरली अकरिंग इन इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स की कितनी, 300 स्पीसीज, यानी कि केमिकल फॉर्म बनाया गया है किनको, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से बचने के लिए 300 स्पीसीज से। और इसके साथ ही क्या क्या, गम, रेजिन और डाई, परफ्यूम, ये भी इन प्लांट स्पीसीज से क्या ये एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। वर्ल्ड के 11.95 बायोडायवर्सिटी को ट्राइबल पीपुल्स द्वारा कई तरह से संरक्षित किया गया है। प्लांट को नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व्ड और ट्राइबल द्वारा गोड एंड गोल्डन एज के होम्स के रूप में भी पूजा की जा सकती है। कि जो ये ट्राइबल्स है, आदिवासियों के द्वारा कई ऐसे प्लांट होते हैं जिनको देवी एवं देवताओं के रूप में माना जाता है, जैसे कि अपन के राजस्थान में है खेजड़ी है, उन्हें उनकी पूजा की जाती है। तो इनको पूजा के तौर पर करना और गॉड एंड गॉडेस के रूप में मानकर भी इनका कंजर्व किया जाता है, बचाया जाता है। ग्रुप प्लांट कंजर्व्ड बाय ट्राइबल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड, कई क्रॉप प्लांट्स का भी कंजर्व किया गया जाता है सोर्स ऑफ फूड के फॉर्म में। खाद्य प्रयोजन के लिए ट्राइबल पीपुल द्वारा फॉरेस्ट फ्रूट, सीड, बल्ब, रूट एंड ट्यूबर्स के फॉर्म में कंजर्व किया गया है। और ट्राइबल्स हर्ब्स जो चिकित्सक द्वारा एंटीडोट ऑफ स्नैक्स बाइट एंड स्कॉर्पियन स्टिंग, कि भाई जो स्नैक्स के द्वारा काटे जाने पर और स्कॉर्पियन बिच्छू के डंक मारे जाने पर जो एंटीडोट का यूज किया जाता है, वो उनके द्वारा नेचुरल हैबिटेट में प्लांट को कंजर्व किया जा चुका है। जो एंटीडोट बनाया जाता है किसके, तो स्नैक बाइट और स्कॉर्पियन स्टिंग के लिए, है ना, उन प्लांट्स को भी नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किया गया है। इनके द्वारा प्लांट को नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किया जाता है और सिटिंग बोन फ्रैक्चर एंड ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट के लिए फोरम में यूज किया जाता है। जिन प्लांट का उपयोग फ्रैक्चर एंड ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट की मेडिसिन के लिए किया जाता है, है ना, उन प्लांट्स को भी ये प्रिजर्व एंड कंजर्व करके रख रहे हैं। और ट्राइबल द्वारा नेचुरल हैबिटेट में एंड मेडिकल हर्ब्स की फॉर्म में भी यूज किए जाने वाले प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है। ट्राइबल पीपुल द्वारा एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग करने के परिव्यक्त
साइट्स में प्लांट को कंजर्व किया जाता है और बायोडायवर्सिटी के इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के फोरम में ट्राइबल्स के पवित्र उपवनों में पौधों का कंजर्व किया जाता है। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर यहीं तक ही और मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।